एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखता है, एक होटल दिखाया जाता है जिसका नाम युन्मा माउंटेन गैलरी था, और 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस होटल का मैनेजर वैक्यूम के बारे में अपने फ़ोन पर पढ़ रहा होता है, तभी वैक्यूम का उसके पास फ़ोन आता है। वो मैनेजर कहता है, आपकी फ़ोटो यहाँ आ गई है, क्या हमें उन्हें सेट करना है आपके लिए? वैक्यूम कहता है, हाँ, और प्रमोशनल फ़ोटो एंट्रेंस के एग्जीबिशन हॉल पर लगा दो, लाइटिंग बहुत शानदार होनी चाहिए। वो मैनेजर पूछता है, क्या आप इस होटल में पहले भी आ चुके हैं? आप जाने पहचाने से लग रहे हैं। वैक्यूम कहता है, मैं बहुत पहले आया था एक बार। तुम बाकी पेंटिंग्स को स्टोर रूम में रख दो, मैं अपने आदमियों से बाकी की व्यवस्था कराऊंगा। इसके बाद वो फ़ोन काट देता है, और इसके बाद के सीन में दिखता है कि जोशी अपनी कार में वापस कोरिया आ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि लिनफाई एक ड्रामा में काम कर रही थी, लेकिन उससे उस ड्रामा का प्रपोजल सीन नहीं हो पा रहा था। तब डायरेक्टर लिनफाई से कहता है कि तुमने बाकी के सीन तो बड़े आराम से कर दिए, लेकिन इस सीन में तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? इसके बाद वो डायरेक्टर ब्रेक ले लेता है। फिर लिनफाई खुद से कहती है, अगर मैं इस तरह से हकलाती रही तो मेरे इन स्पॉन्सर मुझसे छुटकारा पाना चाहेंगे। इसके बाद वो वहाँ हॉल में किसी को ढूंढने लगती है जिसके साथ वो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सके। तभी उसे एक लड़का नजर आता है, फिर वो उसके पास जाती है, और वो लड़का कहता है, मिसलिन। वो उससे पूछती है, क्या तुम कैमरा क्रू से हो? वो कहता, नहीं। वो कहती है, तो स्पॉन्सर ने आपको भेजा है? फिर वो उसका नाम पूछती है, वो कहता है, नेल। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? इसके बाद के सीन में दिखता है कि लीमिंग चैंग वो कॉलेज जाता है अपनी वाइफ को लेने के लिए, फिर उसकी वाइफ उसके साथ चले जाती है, और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि नेल स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होता है, और वो कहता है, तो उस लड़के ने रिंग छोड़ दी, उसने वेट करने को कहा, लेकिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गया, क्या उस लड़की ने उसकी तलाश की? वो कहती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी जैसा मैंने तुमसे कहा था तुम वैसा ही काम करो। फिर वो सोचने लगता है कि कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज कैसे करेगा। फिर वो रिंग के डिब्बे को खोलता है और घुटनों पर बैठ जाता है, और उससे कहता है, कहीं मत जाओ, मैं तुमसे शादी करूँगा। तभी लिनफाई को नेल में लिनफाई की झलक दिखने लगती है, और ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है, और वो उसका कॉलर पकड़ती है और गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं पहले से ही 30 की हूँ, जो तुम अपनी बहन की बहुत परवाह करते हो, तो जाओ उसी के पास, तुम जैसे लड़के से प्रपोजल के लिए कोई यहाँ क्यों कहेगा? तभी नेल कहता है, मिसलिन। फिर वो होश में आ जाती है, और वो नेल के कपड़े ठीक करती है, फिर वो कहती है, अब मैं कर चुकी हूँ। नेल कहता है, तो अब इस सीन के लिए तुम रेडी हो? वो कहती है, हाँ। फिर वो उसे ऑल द बेस्ट कहता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर शूट स्टार्ट होता है। फिर लिनफाई उस प्रपोजल सीन को बहुत अच्छे से करती है, और डायरेक्टर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं खड़ा नेल यानी कि मिस्टर जू ये सब देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है, और वो नेल से कहता है, आज दिन में हमारी मीटिंग है। नेल यानी कि मिस्टर जू कहता है, मुझे मालूम है, युन्मा ग्रुप के साथ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर जू वो मीटिंग के लिए वैक्यूम के ऑफिस में जाता है, वैक्यूम के पास। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जोशी को रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वो सामने दिखती है कि एक लड़का एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। फिर जोशी उस तरफ जाती है, और वो लड़का जैसे ही जोशी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जोशी उस पर मुक्का मारती है। फिर पुलिस वहाँ आती है। जिस लड़की को जोशी ने बचाया था उस लड़की का नाम वो जाई ही होता है, और वो पुलिस से पूछती है, वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई? और वो इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नज़र नहीं आती है। वो पुलिस वाला कहता है कि आपने पुलिस को नहीं बुलाया। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दिखता है, मिस्टर जू फाइल पढ़ता है, और वो कहता है, मिस्टर भाई, सब कुछ ठीक है इस साझेदारी प्रस्ताव के साथ, ये कीमत जो इस फाइल में लिखी है ये हमारे बजट से कई अधिक है, क्या आप इसके बारे में फिर से सोच सकते हैं? फिर वैक्यूम कहता है, मिस्टर जू, आप विदेश में पले बड़े हैं, मुझे हैरानी है, क्या आपने इसके बारे में सुना है कि दुर्लभ चीज़ें अधिक मूल्यवान होती है? एशियाई कला द्विवार्षिक में स्पोर्ट शुरू करने के लिए कॉम्पिटिटिव है, वह अमूर्त है लेकिन अधिक मूल्यवान है, आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए, यदि आप एक जगह जाते हैं तो आपको कुछ ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है आपके प्रस्ताव के साथ। फिर मिस्टर जू कहता है, स्पॉट महंगे हो सकते हैं लेकिन आपके पास वो सब नहीं है, है ना? यदि आप सांगजू के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो ये युन्मा के ब्रांड इफेक्ट को बढ़ावा देगा, स्नो के साथ साझेदारी का उल्लेख नहीं है जो उसके बाद आता है। मिस्टर वही अपनी नज़रें फ्यूचर पर लगाएं। वैक्यूम कहता है, माफ़ करना, पर्सनली मुझे शॉर्ट टर्म गेन पसंद है, चीज़ें हमेशा बदल सकती हैं, दो लोग जो कई दिन पहले साथ थे अगले दिन अलग हो सकते हैं,
मैंने भरोसा खो दिया। 2 साल पहले की वादों में सांगजू आपका निजी ब्रांड है, ये स्नो ग्रुप की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही अपना खुद का ब्रांड स्टेबलाइज किया है। तो आप अभी भी स्नो का नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं? मुझे कभी भी ऐसी ज़बरदस्ती की डील पसंद नहीं है। मिस्टर जू, आप इस साझेदारी पर विश्वास करें सही निर्णय लेने से पहले। फिर मिस्टर जू खड़ा उठता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जोशी अपनी कार में होती है और उसे वो इंसिडेंट याद आने लगता है जो 2 साल पहले उसके साथ हुआ था, और उसकी जान बचाने के लिए वहाँ निंगफाई आया था। जोशी जैसे ही कार स्टार्ट करती है तभी वो देखती है कि कार ठप हो गई है और इंजन बंद हो गया है। और वहीं ऑफिस में वैक्यूम का सेक्रेटरी वैयान जब मिस्टर जू के बारे में वैक्यूम को बता रहा होता है तभी वैक्यूम बेहोश हो जाता है। इसके बाद दिखता है कि वैक्यूम जोशी को सोच रहा होता है सपने में, तभी डॉक्टर उसका हाथ मोड़ती है। वो कहती है इसे अभी छोड़ो, वो कहता है मेरा हाथ छोड़ो। वो डॉक्टर एक साइकोलॉजी डॉक्टर थी, वो कहती है आपकी एलर्जी ठीक हो चुकी है और अब आपको भ्रम संबंधी विकार हो रहे हैं। आपको न केवल अपने मस्तिष्क का इलाज करने की आवश्यकता है पर तुम्हारी आँखें भी। और वो वैक्यूम की रिपोर्ट देख रही होती है। वैक्यूम कहता है मुझे बस याद है मेरी शाम 5 बजे मीटिंग है, अब मुझे जाना होगा। वो कहती है बैठो। वो कहती है आपके पास हाल ही में एपिसोड रहे हैं, क्या कभी आपके सामने अंधेरा हुआ है जब आपकी नज़रें धुंधली हो गई हो? मुझे पता है आप इन 2 वर्षों में क्या कर रहे हैं। जितना दर्द हम सहते हैं उतना अधिक हम ध्यान भटकाने पर निर्भर होते हैं। आपने दवाई नहीं ली, इसके बजाय आप भूलने का काम करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है लेकिन आप इसे अब और नहीं रख सकते। वैक्यूम कहता है मैं जानता हूँ, मैं काम को कम कर दूंगा। वो डॉक्टर कहती है मैं सिर्फ आपके काम की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके लिए वक्त है कि आप जोश को भूल जाए। वो कहता है मुझे पता है आप सही हो लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। वो कहती है आप नहीं कर सकते, जोशी को जाने दो। क्या आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जोशी ने आपको छोड़ दिया? मुझे पता है इसका सामना करना मुश्किल है लेकिन आप अगर पहला कदम नहीं उठाते तो आप 2 साल पहले हमेशा के लिए फंस जाएंगे। फिर वैक्यूम कहता है माफ़ करना, मैं जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। वो कहती है शायद वापसी, तुम दोनों कहाँ मिले थे? फिर डॉक्टर वैक्यूम को एक बैनर दिखाती है जो गैलरी होटल का था, और वो कहती है हो सकता है जेड की ओर लौटने से आप नए सिरे से शुरुआत करें। फिर वैक्यूम उस बैनर को देखता है और उसके बाद के सीन में दिखता है कि ह्यूनमा माउंटेन गैलरी होटल में जोशी के बैनर लगे होते हैं। फिर वैक्यूम उस होटल के मालिक को फ़ोन करता है और वो खुद को लेने के लिए ड्राइवर को भेजने के लिए कहता है। वहीं वैक्यूम बस पे होता है और जोशी की भी कार खराब हो रखी होती है। तभी वैक्यूम जोशी को बाहर देखता है, वो अपनी कार के साथ खड़ी होती है और वैक्यूम को लगता है कि वो ख्वाब देख रहा है। इसके बाद वैक्यूम बस से उतर जाता है और रोड पर खड़ा होता है। फिर वो होटल मैनेजर को फ़ोन करता है और कहता है मेरा स्टॉप छूट चुका है। वो होटल मैनेजर पूछता है आप कहाँ पर हो? वैयान यहाँ है, शायद मैं आपको लेने के लिए उसे कह सकता हूँ। वैक्यूम कहता है टर्मिनल सनशाइन टाउन पर मैं खड़ा हूँ। फिर वैक्यूम जोशी को सोचने लगता है और अपने पुराने पल याद करने लगता है जो उसने जोशी के साथ बिताए थे, और वो उदास होने लगता है। तभी वहाँ वैयान आता है कार लेकर। वहीं दूसरी तरफ घर में दिखता है कि लीमिन और उसकी वाइफ ओलिन फाई वो सब साथ में होते हैं। ओलिन फाई टूटते हुए तारों से मांगती है कि निंग फाई तुम जोशी के साथ यहाँ वापस आ जाओ। तभी लिन फाई अपने फ़ोन में दिखती है और वो हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम्हें भी सेम टेक्स्ट मिला? वो दोनों कहते हैं हाँ। इसके बाद वैक्यूम होटल में जाता है और वो सामने जोशी की फ़ोटो देखता है जो एक बैनर पर लगी होती है। तभी उसकी आंखों में लाइट पड़ती है और उसके सामने अंधेरा छाया जाता है। फिर कुछ देर बाद उजाला हो जाता है। फिर वैक्यूम वैयान को बुलाता है और वो उससे पूछता है क्या यहाँ अभी लाइट गई थी? वैयान कहता है नहीं। क्या हुआ आप ठीक हो? फिर वैक्यूम कहता है मैं समझा। फिर वो अपना चश्मा निकालता है और कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अब अंधा हो रहा हूँ, शायद ही मेरी आँख की चाल थी, मुझे लगा वो वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों दरवाजा खोलते हैं और वो देखते हैं जोशी बाहर दरवाजे पर आई होती है, और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि जोशी का आज जन्मदिन था। फिर वो वहाँ रखे केक की कैंडल को बुझाती है। फिलिन फाई और मिस भाई अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि जोशी यहाँ सच में कैसे आई। लीमिंग जोशी से पूछता है 2 साल तुम कहाँ थी? वो कहती है मैं पेरिस गई थी, मुझे सच में एक अच्छी टीम मिली इसलिए मैंने तब से उनके साथ काम किया, जल्द ही यहाँ एग्जीबिशन होगा इसलिए मैं वापस आई हूँ, मैं अब क्यूरेटर हूँ और मैं उद्योग में हूँ और अभी भी मैं ड्राइंग करती हूँ। फिर मिस भाई और लिन भाई बाहर आते हैं और वो दोनों जोशी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जोशी कहती है अब मुझे जाना होगा। फिर जोशी जब बाहर जा रही होती है तभी लिन भाई उससे पूछती है जब तुम विदेश में थी तब तुमने
निंगफाई को देखा था। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।